हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। अनलॉक टूल की तरफ से एक और अपडेट आ चुका है जो कि 9/8/2023 मतलब कल आया था। और ये अपडेट जो है, अपडेट लिंक मीडिया फायर रैमडेस्क iOS 16.6 आईफोन 8G 8px मतलब आईफोन में जिसमें iOS 16 है उसका अपडेट है रैमडेस्क के लिए। और डाउनलोड फाइल बूट रैमडेस्क आईफोन, ये आईफोन के लिए है, इसमें इस पछड़े में मैं नहीं पढ़ता। और ओप्पो रियलमी में है जो अपडेट है, फैक्ट्री रीसेट इरेज FRP। आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, इरेज FRP कर सकते हैं। मॉडल है ओप्पो रेनो 7 5G, रेनो 9 5G, ओप्पो K9S, रियलमी 9 5G, रियलमी GT मास्टर एडिशन। तीनों वेरियंट है इसमें, RMX 3363, RMX 3360, 3361, रियलमी Q3T और रियलमी Q3S। और एडेड मॉडल ब्रांड अदर ब्रांड में फैक्ट्री सेट इरेज FRP, साउमी का A1 A1 प्लस, पोको C50 आइस, नोकिया C02 4G और आईटेल P36, ये मॉडल ऐड किए हैं। तो जो मेन अपडेट है वो ओप्पो रियलमी में है, जो ये 5G मॉडल है, लगभग 7 मॉडल ऐड कर दिए ओप्पो रियलमी में, रियलमी ओप्पो ही का है। और शाओमी में A1 और A1 प्लस ऐड किया है और आईटेल में P38 ऐड किया है। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगी, तो डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या ऑटो डाउनलोड होता है ये। तो बस बताने का पर्पस ये था कि अनलॉक टूल जो है अपडेट इतने देता है कि उस पर आप वीडियो बना ही नहीं सकते। आज अपडेट आया, 2 दिन बाद फिर अपडेट, 3 दिन बाद फिर अपडेट। और बाकी कई टूल हैं जो सो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं अपने आप से, उनका अपडेट ही नहीं आता, महीना 2 महीना निकल जाता है अपडेट नहीं देते। तो अनलॉक टूल जितना अपडेट देता है, अभी हाल में किसी भी टूल का अपडेट नहीं आता इतना। GSM फोरम पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे अनलॉक टूल अनलॉक टूल अनलॉक टूल, जितने अपडेट अनलॉक टूल में आते हैं उतना किसी में नहीं आते। तो अगर अनलॉक टूल आप यूज़ करते हैं तो बेस्ट है। बाकी अपडेट कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।